वो काम हम नहीं करते हैं, वो दक्ष कला केवल हमारे बड़े भाई के पास है। जवान पर आ जाएगा, हम तो अशोक चौधरी नहीं हो सकते कि भाई दिल में कुछ है और मुंह में कुछ है। मेरे देखिए, हम लालू यादव के उतना ही करीब है जितना 1,00,000 कार्यकर्ता उनके करीब है। अशोक चौधरी जी कितना नजदीक है यह वही बता सकते हैं या माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं? मैंने वो नहीं कहा, आप तो सुनने में फिर अंतर आ गया। मैंने ये कहा कि अगर मैं किसी भी फोरम पर अगर गलत किया हुआ रहता तो आज मैं जेल के सलाखों में रहता। मैंने भी उनका बयान सुना है, परसों मैंने किसी संदर्भ में, विश्वमान के संदर्भ में या किसी भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी के संदर्भ में एक बयान दिया था। मेरा पर्सनल विचार था, हम ये भी बोले कि देखिए जो भी हम बोल रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत राय है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल जो हम उनका बयान सुने, हम अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी का, तो हमको घोर निराशा हुआ। वो जंगल राज का याद हमको करा रहे थे कि जंगल राज, आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, कितना शर्म की बात है कि भाई जिस समय आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय तो आप सबसे सक्रिय मंत्री थे, आप उसके पार्ट थे, आप माननीय लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी थे। और भाई आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था, उसमें आपका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था, सारे राज्य के लोग जानते थे कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व हैं। और माननीय लालू प्रसाद जी नहीं होते तो शायद आपका आज अता पता नहीं होता। और आप जंगल राज की बात करते हैं, आप कहते हैं कि डॉक्टर का किडनैपिंग होता है, कितने शर्म की बात है कि आप महागठबंधन के सरकार में हैं, आप उसके पार्ट हैं, आप उसमें माननीय मंत्री हैं, समझदार मंत्री हैं, आप कई घाट बदल कर आए हैं, कभी ईर घाट, कभी बीर घाट, कभी सीर घाट, कभी साबरमती में आप बैठ कर धुनी रमाए, कभी आप संगम घाट पर धुनी रमाए, कभी गंगा घाट पर बैठ के आप धुनी रमा रहे हैं। आपका विशाल अनुभव है, भगवान करे ऐसा विशाल अनुभव किसी के पास नहीं हो। और आप जंगलराज की बात करने लगे, आप करने लगे कि मैं भाजपा की भाषा बोलता हूँ। यह बोलते हुए भी माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा तो ये होना चाहिए था कि भाई जो व्यक्ति अभी तक हाल के दिनों तक भाजपा के गोद में बैठकर लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी बैठकर मलाई बर्फ खा रहे थे, और वो हम ही को बोल रहे हैं कि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि वर्ष 1995 से लेकर आज 2023 तक कैसा भी झंझावात आया, कितना भी तूफान आया, कितना भी आंधी आया, कभी भी हमने उस परिवार के साथ दिया, सभी लोग जानता है। और यह भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मृत्यु तक मैं उस परिवार के साथ हूँ। अब इससे ज़्यादा कोई बता सकता है क्या? और उल्टे आप हमको बोलते हैं, भाई हमने तो सुना था कि कन्नड़ भाषा होता है, तमिल भाषा होता है, भोजपुरी होता है, पंजाबी होता है, गुजराती होता है, मैथिली होता है, हम भाजपा का क्या भाषा होता है हम लोग नहीं जानते थे, बिहार के लोग। तो माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि भाजपा का भाषा क्या होता है आपसे बेहतर इस राज्य में कोई नहीं बता सकता है, तो कृपया हम लोग को बताने की कृपा करें, हम लोग के ज्ञान वर्धन कराने की कृपा करें। और आप बोलते हैं कि हम राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव के अलावा किसी को नहीं जानते हैं, कभी हम लोगों ने कहा है क्या कि उसके अलावा भी किसी को जानिए? अरे 1,00,000 अगर कार्यकर्ता होगा बिहार में, अगर सक्रिय कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का, तो उसके सबसे छोटा कार्यकर्ता और सिपाही मैं मानता हूँ। हाँ, आप सुनील सिंह को नहीं जानते हैं तो आपको एक बात बताना आवश्यक है, पूरे भारत में सुनील कुमार सिंह ऐसा सहकारी नेता है कि जो किसी प्राइमरी सोसाइटी का भी अध्यक्ष है, अपने पैक्स का अध्यक्ष है, और देश के जो शीर्ष सहकारी संस्था है उसका भी अध्यक्ष है। आपको पूरे बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने कितना चोला बदला है, लेकिन सुनील कुमार सिंह को पूरे देश के किसी भी कोने में जाइए तो 10 सहकारी नेता अगर बैठा होगा तो 9 जरूर सुनील कुमार सिंह को इज्जत के दृष्टि से देखता है। वो नहीं जानता है कि आप चोला बदलने में माहिर हैं, वो हमको कभी नहीं बोलेगा कि आपने गद्दारी किया किसी के साथ। हाँ, लेकिन आपका नाम निश्चित रूप से उस श्रेणी में आता है कि आप कितने पार्टी को कितने घाट का पानी पीकर 100 चूहा खाकर अब आप हज करने को पहुंच गए हैं। और यह भी तय है कि आप 25 तक इस पार्टी में भी नहीं रहिएगा, जैसे ही जिस दिन आपके नेता कमजोर होंगे आप तुरंत तड़प कर फिर बागमती नदी के किनारे धुनी रमाने चले जाइएगा। सब लोग जानते हैं ऐसा कला इस बिहार में बहुत कम लोगों को प्राप्त है, इसलिए आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि व्यक्तिगत आरोप लगाने से बचें। मैंने आज तक अपने लाइफ में कोई गलत कार्य नहीं किया, नहीं तो आज जिस तरह से मेरा
एक समय हुआ करता था जो मेरा रिश्ता था भारत में, यहाँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ, सभी लोग जानते हैं, मैं बेउर के अंदर रहता अगर मैं एक जगह भी गलत किया रहता, और माननीय मंत्री जी जिसका घर शीशा का हो वो दूसरे पर ढेला नहीं फेंका करते। अगर हम आ जाएं अगर व्यक्तिगत रूप से, तो आप भी समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ तक चला जाऊँगा। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि व्यक्तिगत आरोप से बचिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह अध्यक्ष बिस्कुमान के रूप में, भारतीय सिटीजन के रूप में हम यह बयान दे रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल से इसको कोई लेना देना नहीं है, न हम संगठन के रूप में आपको बयान दे रहे हैं, न राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में दे रहे हैं। जी, आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री के साथ जिनका रिश्ता रहता है वो जेल चले जाते हैं, एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। मैंने वो नहीं कहा, आपको सुनने में फिर अंतर आ गया। मैंने ये कहा कि अगर मैं किसी भी फोरम पर अगर गलत किया हुआ रहता तो आज मैं जेल के सलाखों में रहता। नीतीश कुमार के बेटे अशोक चौधरी, आप दोनों में ये विवाद सामने आया, बीजेपी को बैठे बैठे क्या लगता है विपक्षी एकता पर ये सवाल खड़ा होगा? देखिए, हम लालू यादव के उतना ही करीब हैं जितना 1,00,000 कार्यकर्ता उनके करीब है। अशोक चौधरी जी कितना नज़दीक हैं यह वही बता सकते हैं या माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं, लेकिन अपने बारे में हम आपको यही बता सकते हैं कि 1,00,000 कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी के उतना ही करीब है जितना करीब हम हैं। अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाने का जहां तक सवाल उठता है, हम पहले भी उठाते रहे, आज भी उठा रहे हैं और कल भी उठाएंगे। मैंने क्या कहा कि प्रत्येक राज्य सरकार, बिहार ही नहीं, अगर इस देश में 29 स्टेट है तो 29 स्टेट के प्रत्येक मुख्यमंत्री 5-6 ऐसे पदाधिकारी को वेपन्स के रूप में उपयोग करते हैं। मैंने कहीं गलत नहीं कहा। कुछ लोग हैं कि इस बात को, बहुत सारा लोग ये बोलता है कि अरे यार बहुत चीज़ ऐसा होता है कि लोग समझता है लेकिन बोलता नहीं है, आप बोल देते हैं। अरे भाई, जो बात जवान पर आ जाएगा, हम तो अशोक चौधरी नहीं हो सकते कि भाई दिल में कुछ है और मुंह में कुछ है, मेरे दिमाग में कुछ और है, वो काम हम नहीं करते हैं। वो दक्ष कला केवल हमारे बड़े भाई के पास ही है। देखिए, के पाठक जी के बारे में मैंने पहले भी आपको प्रशंसा किया। मैं इसलिए उनको नज़दीक से जानता हूं कि सहकारिता विभाग में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वो प्रबंध निदेशक हुआ करते थे। उस समय बैंक सेक्शन 11 में जा चुका था। पूरे बिहार में 22 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सभी की हालत ख़राब था। अगर के पाठक नहीं होते तो शायद बैंक सेक्शन 11 से बाहर नहीं होता। मैंने ये संदर्भ बोला, बाकी किस विभाग में वो क्या काम किए उसका सर्टिफिकेट देना मेरा काम नहीं है। मैंने केवल कोऑपरेटिव विभाग के बारे में, कोऑपरेटिव विभाग के संदर्भ के बारे में मैंने आपको बताया था। बिहार में अफसरशाही को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। बीच में भी आपने देखा था मदन सैनी को लेकर के जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था अफसरशाही का आरोप लगाया था, फिर से एक बार अफसरशाही वाला ही प्रकरण दिख रहा है। अरे तो अफसरशाही तो है ही, इसमें भी कोई पूछने का सब्जेक्ट है क्या? फिर आपको बोल रहे हैं, बहुत चीज़ ऐसा है कि भाई समझना है आपको, हर एक चीज़ बोला नहीं जाता है, कौन अभी बात बोलेगा। इसलिए देखिए, महागठबंधन से इस बयान को कोई लेना देना नहीं है। महागठबंधन जो सरकार चल रही है अटूट है। महागठबंधन में चूंकि मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए अशोक चौधरी जी, इसलिए मैंने अपना फर्ज समझा कि अगर हम उनके, अगर जो उन्होंने आरोप लगाया अगर मैं इसका जवाब नहीं देता तो मैं बिहार के जनता में अपना नजर नहीं दिखा सकता था। लेकिन जिस तरह शिक्षा मंत्री प्रकरण के बाद जदयू और आरजेडी आमने सामने, लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे अपनी कार्रवाई को रख पाएंगे? देखिए, ये सब बड़ा बात है, ये सब जो बड़े नेता हैं यही बता पाएंगे। हमारा जो व्यक्तिगत सवाल था, जिस तरह से अशोक चौधरी जी ने व्यक्तिगत आरोप लगाया, जंगल राज की बात किया, मैं उसका जवाब दिया हूँ। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।